हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो देखिए, जब हमने रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसमें देखा था कि अगर वन पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो इन दैट केस जो अग्री पार्टी होती है, इंजर्ड पार्टी होती है, उसके पास राइट होता है कि वो डैमेजेस को क्लेम कर सकती है फ्रॉम दी डिफॉल्टिंग पार्टी। तो आज देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के डैमेजेस जो है वो पार्टी क्लेम कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे 5 टाइप के डैमेजेस होते हैं जो एक अग्रीव पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी से क्लेम कर सकती है। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस एंड प्री डिफाइंड डैमेजेस। तो इन सारे टाइप्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है ऑर्डिनरी डैमेजेस, जिसे हम जनरल डैमेजेस भी बोलते हैं। तो ये वो डैमेजेस होते हैं जो कि हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली और नेचुरली अराइज होते हैं। यानी कि अगर किसी पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया है तो क्या डायरेक्टली जो लॉस हमें इनकर होगा वो हमारा किस में कवर हो जाएगा? जनरल डैमेजेस में। तो इन टाइप के डैमेजेस को हम प्रॉक्सिमेट डैमेज भी बोल सकते हैं या फिर नेचुरल डैमेजेस भी बोल सकते हैं। तो अब ऑर्डिनरी डैमेज को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो आपको एप्पल सप्लाई करेगा 1 kg और 200 rupees के वो आपको एप्पल सप्लाई करेगा आफ्टर अ वीक। अब लेकिन एक हफ्ते बाद क्या होता है कि वो ब्रीच कर देता है और वो आपको मना कर देता है कि मैं आपको एप्पल्स जो है वो डिलीवर नहीं करने वाला हूँ। सो इन दैट केस इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका डैमेज कितना होगा, आपको लॉस कितना सफ़र हो रहा है? तो मान लीजिए 1 week बाद जो एप्पल्स का प्राइस है वो हो जाता है 250 rupees पर kg। अब आपने 1 kg ऑर्डर किया था तो आपको कितना लॉस होगा? अगर वो आपको एप्पल सप्लाई नहीं कर रहा तो आप ओपन मार्केट में जाएंगे और वहाँ से परचेज करेंगे। तो अब आपको उन्हीं 1 kg एप्पल्स के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? 250 rupees। यानी कि अब आपको नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है? 50 rupees का। यानी कि यू हैव टू पे एडिशनल 50 rupees फॉर बाइंग दैट 1 kg ऑफ एप्पल्स। तो यानी कि ऑर्डिनरी डैमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50 rupees का हो जाएगा, जो कि आप क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी। अब ऑर्डिनरी डैमेज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बहुत ही फेमस केस लॉ आता है, हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल का। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांटिफ होता है उसकी फ्लावर मिल होती है जिसका जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसकी मशीन का, वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मशीन जो है वो वर्क नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जो प्लांटिफ होता है वो एक कैरियर को बोलता है कि देखो ये जो क्रैंक शाफ्ट टूट गया है इसे ले जाओ और मैन्युफैक्चरर को दे आओ, और उसे बोलना कि जो है इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा ताकि हम अपनी मशीन स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो है जो कैरियर वाला होता है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है और जो उसको टाइम लगना चाहिए था डिलीवरी करने के लिए वो उससे काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है। तो फॉर एग्जांपल उसे 2 दिन के लिए जो 2 दिन का टाइम लगना था उसे डिलीवर करने में के लिए, लेकिन वो यहाँ पे कितना टाइम ले लेता है? मान लीजिए उसने 1 week का टाइम लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्लांटिव था उसकी जो फैक्ट्री थी वो तो नहीं चल पाई 1 week के लिए, वो तो बंद हो गई। लेकिन यहाँ पे जो प्लांटिफ है उसने ये बात नहीं बताई कैरियर वाले को कि देखो अगर तुम इसे जल्दी से जल्दी रिपेयर नहीं करवाओगे तो मेरी मशीन्स जो है वो वर्क नहीं करेंगी, जिसकी वजह से मेरी फैक्ट्री में कोई भी काम नहीं होगा, और मेरी फैक्ट्री में काम नहीं होगा तो मुझे प्रॉफिट्स नहीं अर्न हो पाएंगे। तो ये बात प्लांटिफ ने उस कैरियर वाले को नहीं बताई। अब कैरियर वाले ने क्या किया कि जो डिलीवरी थी वो डिले कर दी 1 week से। तो यहाँ पे जो हेडले था उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा। तो कोर्ट के पास वो जाते हैं कि सर इन्होंने डिलीवरी लेट की, इस वजह से मुझे काफ़ी सारा डैमेज सफ़र करना पड़ा, लॉस मुझे इनकर हुआ है, तो आप मुझे इसे जो है वो क्लेम दिलवाइए। तो कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे आप ऑर्डिनरी डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, तो जो भी आपको डिलीवरी लेट होने की वजह से जो भी आपको नुकसान हुआ है वो जो है रिकवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट्स को क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप उसे ये बात बता देते कि देखो मशीन को रिपेयर जल्दी करवाना, नहीं तो मेरी मशीन्स नहीं चलेंगी तो मेरी फैक्ट्री में काम नहीं होगा, अगर आप ये बात उसको बता देते कैरियर वाले को, तो वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके आपके मशीन के पार्ट को फटाफट से डिलीवर करवाता। तो कोर्ट ने यही बोला कि अगर आप बता देंगे, अगर आपके कैरियर वाले को नॉलेज होती तो आप रिकवर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने उसको नहीं बताया तो यहाँ पर आप सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस के लिए ही क्लेम कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, आपको ये प्रॉफिट वाला पार्ट नहीं क्लेम कवर कर पाएंगे। सो दिस वाज द केस ऑफ ऑर्डिनरी डैमेजेस। सेकंड होते हैं स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस को हम कंसिक्वेंशियल डैमेज भी बोल सकते हैं, और ये वो लॉसेस होते हैं जो कि किसी स्पेशल सर्कमस्टांस या फिर स्पेशल कंडीशन की वजह से अराइज होते हैं और हम इन्हें ऑर्डिनरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको पता है एप्पल वाले केसेस में, तो मान लीजिए कि आपको 50 rupees का लॉस हुआ, तो ये जो लॉस है ये सामने वाली पार्टी सोच सकती है कि हाँ भाई अगर मैं उसको एप्पल सप्लाई नहीं करूँगा तो जो है आपको ये 50 rupees का लॉस होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर प्राइसेस बढ़ते रहेंगे एप्पल्स के।
सो दिस इज द लॉस विच इज प्रिडिक्टेबल, ये नॉर्मल लॉस है और ये डायरेक्टली लॉस है, तो ये ऑर्डिनरी लॉस है। लेकिन मान लीजिए कि उन एप्पल्स को आपने कंज्यूम करने के लिए नहीं परचेज किया था, बल्कि आगे सेल करने के लिए परचेज किया था। तो आपने सोचा था कि मुझे एक हफ्ते बाद जो है मुझे 200 रुपीज़ के एप्पल मिलेंगे, मैं उन एप्पल्स को जो है वो 350 रुपीज़ में सेल करूँगा, तो आपने ये सोचा था। तो क्या जो सप्लायर है एप्पल्स का, उसको ये बात पता होगी कि आपने एप्पल्स को कंजम्पशन के लिए मंगाया है या फिर फर्दर सेल के लिए मंगाया है? तो वो तो एक ऑर्डिनरी मैन जो है वो अज्यूम यही करेगा कि आपने खुद ही कंजम्पशन के लिए मंगाया होगा। तो यानी कि ये प्रिडिक्टेबल लॉस है, जो 50 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है, अब आपको मार्केट से 250 रुपीज़ को परचेज करना पड़ेगा, सो दैट इज़ अ प्रिडिक्टेबल लॉस। तो ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। लेकिन जो स्पेशल डैमेज क्या हो जाएगा, जो कि एक पर्सन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो जैसे इस केस में वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि आपने खुद की कंजम्पशन के लिए मंगाए हैं या फिर फर्दर सेल के लिए, तो इस टाइप के जो डैमेजेस होते हैं ये होते हैं स्पेशल डैमेजेस। बट स्पेशल डैमेजेस को रिकवर करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होता है कि जो एप्पल का सप्लायर था उसको ये बात पता थी कि मैंने कंजम्पशन के लिए नहीं, मैंने फर्दर सेल के लिए उन एप्पल्स को मंगवाया था। तो यानी कि स्पेशल डैमेजेस आप तभी रिकवर कर सकते हैं, तभी क्लेम कर सकते हैं, जब डिफॉल्टिंग पार्टी को ये बात पता होती है कि आपको क्या लॉस हो सकता है। तो जब आप उसे स्पेशल कंडीशंस अपनी बता देंगे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस आप उसको डिस्क्लोज कर देंगे, तभी उन्हीं केसेस में आप अपने स्पेशल डैमेजेस को रिकवर कर सकते हैं। तो जैसा भी हमने पीछे केस लॉ में भी देखा था कि उसने कैरियर वाले को ये नहीं बताया था कि मुझे जो मशीन्स हैं वो मेरी वर्किंग मशीन्स हैं और मेरी मशीन्स ना चलने की वजह से मेरी पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो अगर आप उसे ये बात बता देते कि मेरी पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो शायद वो कुछ इंतज़ाम करके आपकी मशीन को फटाफट से मैन्युफैक्चर तक पहुंचा सकता था। तो यहाँ पे वो स्पेशल डैमेजेस को क्लेम नहीं कर पाया, क्योंकि डिफॉल्टिंग पार्टी को पता ही नहीं था कि उसको क्या क्या लॉसेज होने वाले हैं। नेक्स्ट है विंडिक्टिव या फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो देखिए, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है जिसकी वजह से दूसरी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डैमेज होता है, वो हैम्पर होती है, तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप अग्री पार्टी को एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे वो ऑर्डिनरी या स्पेशल डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप इसे पे कीजिए। तो ये जो डैमेजेस होते हैं ये दो ही कंडीशंस में अलाउ करता है कोर्ट। फर्स्ट वन इज़ अ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ मैरिज। तो देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होता है तो वहाँ पे अगर एक पर्सन ने वादा किया कि मैं आपसे शादी करूँगा और सारे अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ हो गया, वो पर्सन आता ही नहीं है, शादी करने से पहले मना कर देता है कि मैं शादी नहीं कर रहा, तो इन दैट केस क्या होता है कि वो ऑर्डिनरी या स्पेशल डैमेजेस तो क्लेम करेगी ही, लड़का या लड़की जो भी है, कि उन्होंने अरेंजमेंट्स किए शादी के, बैंक्वेट हॉल वगैरह बुक किया, तो ये सारे एक्सपेंसेस तो वो क्लेम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो लड़की या लड़के की फीलिंग्स हर्ट हुई है, यहाँ पे उनकी मार्केट रेपुटेशन हर्ट हुई है, तो आपको पता है कि अगर किसी की शादी टूट जाती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो हैम्पर हो जाती है, इजीली उनके लिए कोई दूसरा रिश्ता मिलना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे कोर्ट कहेगा कि आप ऑर्डिनरी डैमेज तो पे करो, लेकिन साथ ही साथ एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी पे करो, क्योंकि आपने उस पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट किया है और उससे उसकी मार्केट रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा है। सेकेंड होता है डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय बैंकर रॉन्गफुली। अब देखिए, अगर किसी पर्सन ने चेक इश्यू किया और उसके अकाउंट में पैसे होते हुए उसका चेक जो है वो बाउंस हो जाए बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द बैंकर, बैंकर की गलती की वजह से उसका चेक जो है वो बाउंस हो जाता है, तो यहाँ पे उसकी मार्केट रेपुटेशन पे इफेक्ट आता है, लोग जो है उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, लोग उस पर ईजिली विश्वास नहीं करेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि यार तुम मुझे चेक मत दो, तुम मुझे कैश ही दे दो, तुम्हारे चेक तो बाउंस हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ उस पर्सन की जो रेपुटेशन है इन द मार्केट वो रिड्यूस हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पे वो ऑर्डिनरी डैमेज तो क्लेम करेगा ही बैंकर से, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट जो है उसे एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी पे करने के लिए बोलेगा कि तुम बैंक उसको ये एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी पे करो, और बिकॉज ऑफ द हैम्पर इन द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। अब देखिए, इनका पर्पस क्या है कि हम ये वाले डैमेजेस क्यों क्लेम कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो बेसिक पर्पस है कोर्ट का वो ये है कि जो रॉन्ग डूअर है यानी कि जिसकी गलती है उसे एक पनिशमेंट देना कि उसका जो बिहेवियर, जो बैड बिहेवियर उसने किया है वो दोबारा उसको रिपीट ना करे, तो इसीलिए उनके ऊपर एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगाए जाते हैं कि आप इस बिहेवियर को दोबारा रिपीट ना करें। नेक्स्ट होते हैं नॉमिनल डैमेजेस। देखिए, नॉमिनल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंजर्ड पार्टी है, अग्रीव पार्टी है, उसे कोई लॉस ही नहीं होता। तो जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट बोलता है कि आपको क्या लॉस हुआ है, तो वो कहता है सर मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो अगर उसे ऑर्डिनरी लॉस होता या फिर स्पेशल लॉस होता तो उसे स्पेशल डैमेजेस मिल जाते। लेकिन अगर किसी पर्सन को कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल
एप्पल वाले केस में तो मान लीजिए कि मैंने 200 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन जब उसने ब्रीच किया तो मुझे मार्केट से भी 200 रुपीज़ में ही एप्पल मिल रहे हैं, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई लॉस हुआ? नहीं। तो अब अगर मान लीजिए कि उन एप्पल का प्राइस मार्केट में रिड्यूस हो जाए, तो अगर वो 200 के एप्पल मुझे मार्केट से अब 150 के मिल रहे हैं, तो क्या मुझे लॉस हो रहा है? नहीं, तो मुझे और भी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन फिर भी अग्रीव पार्टी ने डिफॉल्टिंग पार्टी को कोर्ट में स्यू किया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, उनके ऊपर नॉमिनल डैमेजेस को इम्पोज करेगा, जो कि एक वार्निंग का काम करती है कि आज अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो भले ही अग्रीव पार्टी को आज लॉस नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर आप दोबारा से इस बिहेवियर को रिपीट ना करो, तो एक वार्निंग का काम होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई गलत काम हम लोग करते हैं और उसके बदले हमें पनिशमेंट नहीं मिलती, तो ये इस तरीके से काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए हम कहीं ना कहीं इनकरेज होते हैं कि यार पहली बार ये गलत काम किया, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिला, तो लेट्स डू इट वंस अगेन। तो यहाँ पे इस टाइप का बिहेवियर जो है वो इनकरेज ना हो, इसीलिए नॉमिनल डैमेजेस को इम्पोज किया जाता है, और ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है, जैसे कि 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, तो बिल्कुल नॉमिनल सा है, लेकिन बस एक पनिशमेंट की तरह, एक वार्निंग की तरह काम करता है कि आप ऐसा बिहेवियर दोबारा रिपीट ना करें। तो देखिए, मैं आपको नॉमिनल डैमेज का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा यहाँ पर, कि 31 अगस्त को जो लॉयर है प्रशांत भूषण, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपी का फाइन इम्पोज किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो प्रशांत भूषण है, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के ऊपर, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो ट्वीट्स है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, उनका निरादर कर रहे हो, और ये प्रशांत भूषण ऐसा दोबारा ना करें इन फ्यूचर, इसीलिए उनके ऊपर 1 रुपी की पेनल्टी लगाई गई थी। नेक्स्ट है प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस। प्री एस्टिमेटेड का मतलब होता है जो चीज़ पहले से ही डिसाइड कर दी गई है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर देती है कि अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करेगी, ब्रीच करेगी, तो वो अग्रीव पार्टी को कितना पैसा देगी, उसे हम बोलते हैं प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस। अब देखिए, यहाँ पे दो टाइप के अमाउंट जो होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी डैमेजेस और एक होता है पेनल्टी। लिक्विडिटी डैमेजेस का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो अग्रीव पार्टी को कितना लॉस हो सकता है, यानी कि प्रोबेबल लॉस, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यार इसको अगर मैंने ब्रीच किया तो इसको इतना लॉस हो सकता है। तो दोनों पार्टीज जो है उसमें अपने म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करती हैं कि अगर एक पार्टी ने ब्रीच किया तो हम इतना कॉम्पेंसेशन सामने वाली पार्टी को देंगे। सो दैट इज़ अ लिक्विडिटी डैमेजेस। सेकेंड अमाउंट जो होता है वो लिखते हैं पेनल्टी का। पेनल्टी होती है कि अगर एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो उसे कितना फाइन देना पड़ेगा, और पेनल्टी का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि सामने वाली पार्टी को रोकना, उसे प्रिवेंट करना कि वो ब्रीच ना करे, और ये डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो फॉर एग्जांपल, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको जो है वो अपना हाउस सेल करूंगी फॉर ₹50 लाख, सो दिस वॉज एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैंने जो है उसमें पेनल्टी का अमाउंट लिख दिया कि अगर एक पार्टी ने ब्रेक किया तो मैं आपको तो है वो मुझे आप 1 करोड़ रुपीज़ पे करोगे, तो यानी कि डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत हाई है। मेरा बेसिक पर्पस क्या है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरा जो हाउस है वो आप परचेज कर लो, या फिर आप ये लिख रहे हो कि मैम जो है वो हमें अपना हाउस सेल कर दे। तो यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उनकी बेसिक इंटेंशन है कि यार सामने वाली पार्टी ना ब्रीच ना कर पाए, उसे इस चीज़ से रोकना, और इसीलिए हम उसके लिए ऊपर एक हैवी पेनल्टी लगाना चाहते हैं ताकि कोई भी पार्टी जो है वो ब्रीच ना करे और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो लिक्विडिटी डैमेजेस होते हैं उनका बेसिक पर्पस है टू कॉम्पेंसेट दी अग्रीव पार्टी, और पेनल्टी का बेसिक पर्पस है टू पनिश दी डिफॉल्टिंग पार्टी। अब देखिए, ये जो बाइफकेशन है लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टी में, ये सिर्फ इंग्लैंड लॉ जो है, इंग्लिश लॉ जो है वही मानता है, हमारे इंडियन लॉ में ऐसा कोई भी बाइफकेशन नहीं है। तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आपने लिक्विडिटी डैमेजेस की फॉर्म में लिखा है और जो भी अमाउंट आपने पेनल्टी के फॉर्म में लिखा है, उन दोनों को मिला के जो भी अमाउंट रीजनेबल होगा वही अमाउंट जो है वो कोर्ट अलाउ करेगा, यानी कि कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो कितना कॉम्पेंसेशन जो है वो अग्रीव पार्टी को दिलवाता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोर्ट कभी भी टोटल अमाउंट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया उससे ज़्यादा कभी भी नहीं दिलवाता। तो कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्जांपल हमने स्पेसिफाई किया था कि 1 करोड़ रुपीज़ का जो है वो आप मुझे देंगे डैमेज और लिक्विडिटी डैमेजेस प्लस पेनल्टी को मिला के 1 करोड़ रुपीज़। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है अगर 50 लाख रुपीज़ इज सफिशियंट, तो वही एडिक्वेट है, तो कोर्ट 50 लाख रुपीज़ का ही कॉम्पेंसेशन देने के लिए आपको बोलेगा, 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा कभी भी नहीं बोल सकता। तो जो आपने स्पेसिफाई किया है उससे ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, उससे कम ज़रूर हो सकता है। तो
तो यानी कि जो भी रीजनेबल होगा वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट आपको कितना कॉम्पेंसेशन दिलवाता है एज पर इंडियन लॉ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डैमेजेस दैट एन अग्रीव पार्टी कैन क्लेम फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी.